1997 में एक फिल्म आई थी, नाम था परदेस। फिल्म का एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राजा भैया की वायरल हो रही इस तस्वीर पर ये गाना सटीक बैठता है। दरअसल ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? अखिलेश यादव के इस बयान पर राजा भैया ने भी उन्हें जवाब देते हुए चुनावी मंच से कहा था, धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। जब एक नेता जी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। राजा भैया के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद से दोनों नेताओं में तकरार चलती चली आ रही थी। अब दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद लोग राजा भैया और अखिलेश को लेकर चुटकी भी ले रहे हैं। दरअसल तारीख थी 15 दिसंबर, जगह थी लखनऊ का ताज होटल, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद सिंह गोप के भतीजे की रिसेप्शन पार्टी थी। उसी कार्यक्रम में सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। सपा नेता के इस कार्यक्रम में कई अन्य दलों के नेता भी पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक राजा भैया भी पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव और राजा भैया की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। इधर जब दोनों हाथ मिला रहे थे, उधर दोनों नेताओं के हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल हो गई। इस तस्वीर को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की बाढ़ आ गई है। विजय नाम के यूजर ने लिखा है, राजनीति का स्तर ही ऐसा है, ये सब सुख दुख में साथ रहते हैं और कार्यकर्ता आपस में लड़ते भिड़ते हैं और जेल जाते रहते हैं। वहीं सौरभ पांडे नाम के यूजर लिखते हैं, चलो माननीय जी पहचान लेते हैं, नहीं तो बीच में भूल गए थे कि इनके कैबिनेट में कारागार मंत्री भी थे। प्रतीक सिंह नाम के यूजर ने लिखा है, ये वही है ना, कौन? राजा भैया। तस्वीर बयां कर रही है कि कौन कितनी ऊंचाई पर है। वहीं एक यूजर ने लिखा है, धीरे धीरे दोस्ती हो रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।